हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले कमाल की फॉग मशीन। फ्रेंड्स, इस फॉग मशीन को मैंने बिल्कुल मार्केट वाले फॉग मशीन की तरह बनाया है। एंड फ्रेंड्स, ये फॉग मशीन काफी ज्यादा चीप रेट में बनके तैयार हो जाती है, तो इसे कोई भी बना सकता है। एंड फ्रेंड्स, यकीन मानो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फॉग मशीन की बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले आप मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीस को कट किया है। अभी फ्रेंड्स, हमारी स्मोक मशीन की बॉडी रेडी हो चुकी है। तो अभी हमने यहाँ पे एक डीसी मोटर का यूज किया है। फ्रेंड्स, आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप भी इसी डीसी मोटर का यूज करें, क्योंकि फ्रेंड्स इस मोटर में काफी ज्यादा कम थ्रस्ट बनता है और हमें इस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा कम थ्रस्ट की जरूरत है। अभी फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे एक छोटा सा प्रोपेलर चाहिए और एक बैटरी। फ्रेंड्स, इस बैटरी को मैंने खुद बनाया, आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एंड फ्रेंड्स, आप यहाँ पे किसी भी 9 वोल्ट तक की बैटरी का यूज कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट लिया है और ये हीटिंग एलिमेंट 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे इसे चला के दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, जब मैंने इसमें 12 वोल्ट का करंट दिया तो इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हीट हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको भी कुछ इसी तरीके से बना लेना है। अभी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ कॉटन लिए जिसे हमें अपनी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर कुछ इस तरीके से लगाना है। अभी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक का बॉक्स यूज किया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी और प्लास्टिक के बॉक्स का भी यूज कर सकते हो। अभी फ्रेंड्स, मैंने फॉग मशीन की बॉडी के पीछे की साइड में 2 होल करे हैं, जिसके अंदर अपने 12 वोल्ट के कनेक्टर और बेंड स्विच को लगाएंगे। अभी फ्रेंड्स, हम इस वाली बैटरी को यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देंगे और इस वाली बैटरी से हम इस वाली मोटर को सप्लाई देंगे। अभी फ्रेंड्स, हम इसकी कनेक्शंस करने हैं। कनेक्शन काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमें अपने हीटिंग एलिमेंट को 12 वोल्ट वाले पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद बैटरी और बेंड स्विच को मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक ग्लिसरीन लिया। आप यहाँ किसी भी कंपनी के ग्लिसरीन का यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको ये कॉस्मेटिक शॉप पे 10 से 20 रुपए में मिल जाएगी। अभी फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे थोड़ी सी ग्लिसरीन लेनी है और कॉटन वाले पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से डाल देनी है। अभी फ्रेंड्स, हमारी फॉग मशीन कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। तो अभी हम इसका लुक देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इसकी टेस्टिंग। फ्रेंड्स, इस फॉग मशीन को चलाने के लिए आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर चाहिए, जिसकी पिन को हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देना है, जिसके बाद हमारा फॉग रिलीज होगा। लेकिन इस प्रोसेस में आपको 1 से 2 मिनट लग जाएंगे। अभी फ्रेंड्स, हमारी फॉग मशीन में अच्छे तरीके से फॉग रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हम इसके फैन को ऑन करेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से हमारा फॉग निकल रहा है।
फ्रेंड्स, इस फॉग मशीन को रिफ्यूल करने के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर वाले कैप को ओपन करना है। उसके बाद आप इसमें ग्लिसरीन डाल के दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। एंड होप सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे कमाल की वीडियोस आते रहते हैं।